शुरू से चूका नहीं है, हम बहुत उसमें लकी हैं कि हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल जिनके पीछे हम अपना पूरा भविष्य देख रहे हैं, वो कोई और नहीं, जिनके माध्यम से हम अपने भविष्य में पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं, वो कोई और नहीं, आदरणीय हमारे सुजीत सर हैं। एक बार मैं सारे साथी चाहूंगा दिल से सर के सम्मान में जोरदार ताली चाहेंगे। और आज हमें वो ट्रेनिंग मिलेगी। मैं इतना ही कहूंगा कि आप चूके कि नहीं, आपका प्रेजेंट माइंड उसी तरीके से जैसे एक छतरी खुला होती है काम करती है मेरे भाई। आज अपने दिल और दिमाग, प्रेजेंट माइंड, पेन और डायरी अपना रख के और वीडियो पे जब तक सर की बातें होंगी, पता नहीं कौन कौन सी बातें आपके इस मिशन में काम आ जाए और आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देगी। तो दोस्तों, मैं आगे के प्रोग्राम को स्पीड देने के लिए आज हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, उनकी दूरदृष्टि, नजर, खबर, सबर जो कहते हैं वह सारे चीज है, सर्वगुण संपन्न है, उनसे हार्ड वर्क सीखना है, जो भी चीजें सीखना, हमारे आदरणीय रंजीत सर, मैं चाहूंगा सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। और सर 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 को ही कॉल करेंगे आपके एक्साइटमेंट के बीच में, मैं कॉल करने के लिए ओवर टू हमारे रंजीत सर, जोरदार ताली के बीच में। थैंक यू हेलो सर। और अब हम समय ज्यादा हम नहीं लेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि आज हम एक ऐसे शख्सियत से कुछ सीखने वाले हैं जो आज हिंदुस्तान की अगर बात की जाए मिशन की, तो पिछले मिशन में सबसे बड़ी जो पिन हिंदुस्तान में, अगर इस साल की सबसे बड़ी पिन अगर किसी के पास में है तो आज हमारे गुरुदेव आदरणीय सुजीत सर के पास में है। सफायर की पिन, सफायर तो बहुत सारे लोगों ने किया लेकिन सफायर को सर ने मेंटेन किया, और ये बहुत बड़ी मतलब काबिलियत कह नहीं सकते हैं, ये एक वो चीज दर्शाता है और हम लोग को विश्वास से भर देता है कि हमारे अपलाइन इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल है। जहां भी जाइए, अभी मैं सूरत में था तो महावीर सहारन जी से जब मिला और मैं बोला कि मैं सुजीत सर के टीम में हूं, तो उनका जो हाव भाव था, उनका जो बॉडी का जो लैंग्वेज था और जो जिस तरह से मिला उन्होंने मेरे से, मैं बता नहीं सकता। तो ये कद्र है सर की, और आज हमारे बीच में सर हमको सिखाने वाले हैं। बस मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए जिंदगी में जब कोई व्यक्ति काम करता है और जब वो अपनी जर्नी शुरू करता है तो उस जर्नी में एक चीज सबसे ज्यादा आती है, समस्या आती है, और समस्या कई प्रकार की समस्या होती है। तो उस समस्या का निवारण करने के लिए हम किसी न किसी के पास जाते हैं, और हम बहुत सारी पढ़ाई भी लोग करते हैं, बहुत सारे ट्यूशन भी लोग लगाते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर के पास जाते हैं। लेकिन हम सब लोग इस मामले में बहुत लकी हैं कि हम आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके, हम आरसीएम बिजनेस में हम अपनी कामयाबी के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो आरसीएम बिजनेस के अंदर भी समस्या आती है, और इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, दो तीन समस्या आती है। पहली एक समस्या आती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाएं, हम अपने पिन को कैसे औरों के पिनों से बड़ा करें, और हम इस बिजनेस में जब हम डीप मोटिवेट होते हैं, जब हम हार जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे सपने अब खत्म हो जाएंगे, हम आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और उस सिचुएशन में एक व्यक्ति का होना जरूरी है जो व्यक्ति हमको सही गाइडलाइन दे, जो व्यक्ति हमको सही तरह के सिखा सके, जो व्यक्ति हमारे अंदर में एक विश्वास दिखा सके और विश्वास जगा सके कि नहीं, हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं और वो काम हम ही कर सकते हैं। मैं कहता हूं पूरे दुनिया के अंदर में उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं हो सकता है जो हमको मोटिवेट करता है, जो हमको एजुकेट करता है, जो हमारे सपने को पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए, हम किसी भी समस्या में हों उन समस्याओं को अगर समाधान कोई देने वाला होता है तो हमारे वो गार्जियन होते हैं। और हम इस मामले में बहुत लकी हैं जो हमारे गार्जियन आदरणीय सुजीत सर हैं। तो एक बार सुजीत सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, और वही गार्जियन आज हम लोगों को इस मिशन में किस तरीके से हम अपने मिशन को आसानी तरीके से अचीव कर पाए, बिना नुकसान किए, बिना डीमोटिवेट हुए, बिना इस मिशन को कैसे अपनी एक क्रांति हम बना लें और कैसे अपना एक पैशन बना लें, इस मिशन को ऐसा लगे कि नहीं एक महीना नहीं, इस मिशन को हम हर महीने कर सकते हैं, वो सारा रोड मैप लेकर आज हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव हम लोगों के पास में आए हैं। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में आप देर न करेंगे, मैं बुलाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की सबसे ग्रेटेस्ट लीडर और ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, हिंदुस्तान के यंगेस्ट करोड़पति, जो भी कहा जाए सब कुछ कम है, लीजेंड ऑफ आरसीएम बिजनेस में, उनका जो कद है, उनका जो रुतबा है वो किसी से छुपा नहीं है, और हम सब लकी हैं कि आज हमारे वो गार्जियन हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूं अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट आदरणीय आदर्श, हम सब के एक रोल मॉडल आदरणीय सुजीत सर को जोरदार तालियों के बीच में आज वेलकम सर, आपका स्वागत है सर, आपका वेलकम। थैंक यू सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी लोगों का। और आप देख रहे होंगे, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को? जी जी सर। ओके चलिए,
तो कुछ चीजें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मैं एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के साथ में, चूंकि घर से ही मैक्सिमम लोग अटेंड कर रहे होंगे इस मीटिंग को, तो कोशिश कीजिए हेडफोन या ईयरफोन आपके पास में है, चाहे आपके पास में कितना ही अच्छा साउंड सिस्टम क्यों ना हो, तो उसको यूज करने की आप एक बार कोशिश कर लीजिए। पेन पेपर से आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आज की ये मीटिंग ना बड़े ही खास है, और आज हम बहुत सारी चीजों को सीखने समझने वाले हैं। बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम दिनों से थोड़ी ये मीटिंग लंबी चल सकती है, और मैं 6 घंटे का सिलेबस कोशिश करूंगा 60 मिनट में कवर करने का। तो इसके लिए मतलब आप लोगों का थोड़ा तेज गति से सुनना भी जरूरी होगा, समझना भी जरूरी होगा, और मुझे भी बहुत तेज गति से अपने पॉइंट्स के ऊपर बात रखना जरूरी होगा। तो ऑलरेडी हम लोग 30 मिनट्स के आसपास लॉस कर चुके हैं, तो आगे हम टाइम बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज की ये मीटिंग किस पर्पज से रखी गई है, इसमें बार बार एक वर्ड यूज हो रहा था, मिशन मिशन मिशन। कई बार जब हम हमारे सीनियर अप्लायंस के साथ में होते हैं तो वो अवॉइड करते हैं इस वर्ड को, और इसके पीछे खूब सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और मैं आज इस मीटिंग को इसीलिए रखा हूँ कि कंफ्यूजन जैसी कोई चीज हम सभी लोगों के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। वजह साफ है, देखिए आप सभी लोगों को वेलकम लीडर्स दिख रहा होगा, लेकिन साथ में एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे। आप इसे कोई बता सकते हैं ये क्या है? आप देख रहे होंगे कि लीडर्स के नीचे एक हाथ है, हाथ है। जी सर। और उस हाथ में क्या है, पूरे टीम का लोड है, बैलेंस है उसमें पूरे टीम का। तो मैं ये पिक्चर सिर्फ आप लोगों के लिए लगा के रखा हूँ कि देखिए जीवन में जब हम अकेले होते हैं, अकेले चलते हैं, तो हमारे सोचने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है, और होना भी चाहिए। लेकिन जब हम कहीं किसी व्यक्ति समूह का नेतृत्व करते हैं, जब हमारी सोच समझ ये बिल्कुल बदल जानी चाहिए। और ये क्यों बदलनी चाहिए, आज इसके ऊपर हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। लेकिन इस बदलाव से हमारी जिंदगी में हम खूब सारे फायदे की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, अभी से पहले जब आप एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर थे, सिंगल डायरेक्ट सेलर थे, तो आपकी थॉट्स कैसी थी इस बिजनेस में, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अब आपकी थॉट्स कैसी होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आप सभी के सभी लोग मेंटोर हैं अपने टीम के, आप स्पॉन्सर हैं अपनी टीम के, आप नेतृत्व करते हैं अपनी टीम का। तो ऐसे में टीम को सही डायरेक्शन में लेके जाना, ये हम लोगों का एक सबसे मेन टास्क होता है। तो वो सही डायरेक्शन क्या है, गलत डायरेक्शन क्या है, आज उन्हीं चीजों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, और आगे कैसे हम शानदार तरीके से वर्किंग कर सके टारगेट मंथ में, उसके ऊपर भी हम खूब सारी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सारे के सारे लोग तैयार तो पहले से ही हैं, और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप सभी लोगों को, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सारे के सारे लोग आए हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं साबित करती है, देखिए ये एक ऐसी बात होती है ना, शॉर्ट नोटिस पे विजनरी पर्सन ही आते हैं। क्यों? क्योंकि काम तो सभी के पास में होते हैं, व्यस्तताएं सभी के पास में होती है, लेकिन चीजों को प्राथमिकता के आधार पे रख के और उस काम को करना, ये क्वालिटी सभी के पास में नहीं होती है। तो आप सभी के सभी लोग अपने काम को पोस्टपोन करके यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जब ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे कि यार गलती से ये छूट जाती ना, तो फिर पता ना क्या हो जाता हमारे साथ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एक बात बार बार आती है, मिशन 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 मिशन, कभी हम इसे अच्छा मानते हैं, कभी इसे हम बुरा मानते हैं, कभी हम ही मना करते हैं, कभी हम ही शुरू करते हैं, ये हम सब में से हर किसी के साथ में होती है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये मिशन है क्या, हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? सबसे पहला सवाल तो ये होता है, हम सभी के अपने एक ड्रीम है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में आए। हम में से किसी ने स्टार रूबी बनने का सपना लिया, हम में से किसी ने डायमंड बनने का सपना लिया, हम में से किसी ने सफायर बनने का सपना लिया, हम में से किसी ने लाखों रुपए महीने कमाने का सपना लिया, या फिर कोई ऐसे भी रहे होंगे जो करोड़पति बनने का सपना लेके इस बिजनेस में आए होंगे। अब बात जब मिशन की आती है, तो एक छोटी सी भ्रांति हमारे दिमाग में आती है। कई लोग मिशन में काम नहीं करने को ग्रोथ का नाम दे देते, जबकि हकीकत क्या होती है कि वो ताकत नहीं लगाते हैं और उसको बोल देते हैं कि वो ग्रोथ पे काम करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति ग्रोथ पे काम करे, लाख रुपए भी हर महीने वो बिजनेस का ग्रोथ करे अपना, तो 3 साल में 36 लाख तो कम से कम ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता उस व्यक्ति का? आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर, हो सकता है।
यदि हम एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है कि हम में से मैक्सिमम लोग ना मिशन पे काम ना करने को मान लेते हैं ग्रोथ, जबकि ग्रोथ एक अलग चीज होती है। और इसीलिए बार बार आपसे अपील की जाती है कि आप इस तरह से काम मत कीजिए, लेकिन आप इस तरह से नहीं कीजिए तो हम तो उस तरीके से भी नहीं कर रहे, ग्रोथ मोड में भी नहीं कर रहे, मिशन मोड में भी नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हुँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा मिशन क्या है वो हमें याद रखना चाहिए, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और ग्रोथ का ये मतलब नहीं होता है कि आपने इस महीने 1,00,000 बिजनेस किया और अगले महीने 1,10,000 रुपए बिजनेस किया तो उसको ग्रोथ समझा जाएगा। ग्रोथ एक मतलब 10%, 12%, 15% इस तरह से लगातार बिजनेस आपका ग्रो करता है और कंपाउंडिंग में आप ये चलिएगा तो ये 1,00,000 रुपए से भी बड़ा वॉल्यूम तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये एक ऐसी चीज होती है ना जो हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि इसके एक नहीं कई एक फायदे होते हैं। फायदे कब होते हैं? जब हम सही तरीके से करते हैं। नुकसान कब होता है? जब हम इसे गलत तरीके से करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से डायरेक्टली ये कहना चाहूंगा कि गलत तरीका तो ना मैंने कभी आपको गाइड किया है ना मैं कभी करूंगा, और यदि गलती से मैं करूं भी तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं भी इंसान हूं। बट यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा कि मिशन वर्ड ये नफरत का वर्ड नहीं है, ये एक मतलब अपने इंतजाम को जो है ना मजबूत करने का है, और जब हम इस पे काम करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं जो कि हमेशा संभव नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए ये क्या हो रहा है मालूम है आप सभी लोगों को, युद्ध भूमि में युद्धाभ्यास हो रहा है, युद्ध का अभ्यास हो रहा है जो कि हर देश की सेनाएं करती है। अच्छा जब युद्ध लड़ना ही नहीं तो अभ्यास क्यों करते? बताइए, जब युद्ध करने की जरूरत पड़ी तो हम अपने काम में परफेक्ट रहेंगे। सर कभी भी युद्ध हो सकता है, मतलब कभी भी अचानक युद्ध हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहना हमें सर। और ऐसा तो नहीं कि महीने दो महीने पे हो जाता है या साल दो साल पे हो जाता है या हर साल ही होता है सीजन बाय सीजन। तैयारी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को ये समझने का हमारे पास में एक मौका होता है जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, बावजूद इस काम को अंजाम दिया जाता है कि हमारी सेना में जंग ना लगे, कंफर्ट जोन में ना हो, ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना वो एक फौजी की तरह सर्कुलेट करता रहे बॉडी के अंदर कि जब इमीडिएट कोई बड़ा एक्शन लेना हो तो हमें कोई विशेष तैयारी उसके लिए ना करनी पड़े, इसके लिए युद्धाभ्यास किया जाता है। आगे यदि हम बढ़े तो पूछिए अपने आप से टूर्नामेंट्स क्यों होते हैं? भाई हर टीम खेलती है, महाराष्ट्र की टीम महाराष्ट्र में खेलती है, बिहार की टीम बिहार में, यूपी की टीम यूपी में, कर्नाटक की टीम कर्नाटक में खेलती है, तो फिर टूर्नामेंट्स होते क्यों? जब सब अपने जगह पे खेल ही रहे हैं तो ये टूर्नामेंट्स क्यों होते? अपना बेस्ट दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए, और बेस्ट है कौन ये भी जानने और समझने के लिए। होता क्या है कि देखिए मिशन को खराब कब माना जाता है? जब औने पौने तरीके से हम काम करते हैं और 6 महीने में एक बार काम करते हैं और बाकी के 5 महीने आराम करते हैं तब जाके उस चीज को खराब माना जाता है। यदि हम बड़ा करें और उसके बाद और बड़ा करने पे लग जाए तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि समस्या यही सभी की है कि कोई कर नहीं रहे। और जो कुछ लोग हैं वो क्या मान लेते हैं मिशन में काम ना करने को, अगेन मैं रिपीट करूंगा, क्या बोलेंगे? ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जबकि ग्रोथ पे करते तो पिछले 2-3 सालों में एक बड़ा एम्पायर उनका खड़ा हो चुका होता जो कि है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं आप सभी लोगों को बताता हूं मेरे अनुभवों से कि देखिए इस तरीके से जो काम करते हैं वो ऑलमोस्ट उनका बिजनेस बड़ा होता है। यदि चूंकि आप वाइटल सॉरी लीडरशिप एंड और टेक्निकल अचीवर कुछ साथी है हमारे बीच में, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी लोगों के साथ में कि जो भी लोग एग्रेसिव चलते वो आम लोगों से ना ज्यादा तेज चलते हैं। क्यों ज्यादा तेज चलते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट ना एक अलग तरीके से काम करता है। मैंने देखा है मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग जो मिशन के ऊपर फोकस भी करते हैं, लगातार फोकस करते हैं, और वो लगातार उनका बिजनेस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है।
जिन लोगों ने पिछले साल दो साल तीन साल में इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, मतलब क्या किए, कहने को वो ग्रोथ पे काम किए, लेकिन उनका बिजनेस पिछले तीन साल से लगभग एक ही जगह पे राउंड 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 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ताकत ना उनको लगाना आता है, ना ही उनकी टीम को लगाना आता है। जब हम अपना बेस्ट देते हैं ना, तो उसके बाद हमारी इच्छा, हमारी भूख, हमारी चाहते, हमारी उम्मीदें ये और ज्यादा बड़ी हो जाती है, और इसलिए जब भी परफॉर्म करने का मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, जब भी परफॉर्म करने का मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बिजनेस जिस तरीके से डिजाइन होता है, हमें उस तरीके से उस बिजनेस को करने की आदत बनानी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री धीमे धीमे चलने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये तेज गति से चलने का बिजनेस है। और इसलिए हम मान लीजिए 12 महीने में दो बार भी तेज चलना शुरू करते हैं, तो आगे चल के तेज चलना हमारी आदत बन जाएगी। फिर हम 12 में 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 8 करेंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब हम 12 के 12 करेंगे। और आराम आराम से करने की बात होगी तो क्या होगा, लगातार यही हमारी मेंटेलिटी बनी रहेगी। अब ऊपर वाले तो ऊपर में मजे ले रहे होंगे, लेकिन नीचे वालों का क्या होगा, वो 12 महीने कोई 1-15 पे है तो 12 महीने से 1-15 पे ही है, कोई 70,000 पे है तो वो 12 महीने से 70,000 पे ही है, कोई 20 या 10,000 पे है तो पिछले 12 महीने से वो 20 या 10,000 पे ही राउंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक जो हमें मजबूत ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। अब आगे की मैं आपसे बात करूं, तो आपने देखा होगा फाइनल एग्जाम क्यों होते भाई, पढ़ते आप हर हमेशा हैं, तो फाइनल एग्जाम क्यों होते, ताकि आपकी क्षमताओं को देखा जा सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा, कितना जाना, और तब जाके आप अपने आप को साबित कर पाते। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली सारे लोग अपने आप को म्यूट रखें। तो कुछ फाइनल एग्जाम जैसा ही आ जाता है हम लोगों का मार्च और सितंबर, जहां की एक शानदार मौका होता है हम लोगों को अपने आप को प्रूव करने का, कुछ बेस्ट करने का। क्यों है, नहीं करेंगे तो अप्रैल में भी नहीं करेंगे, मई में भी नहीं करेंगे, जून में भी नहीं करेंगे। ये ताकत देता है, एक इंथुजियाज्म हमारे अंदर क्रिएट होता है। हम में से कोई 1-70-2-60 का बिजनेस है और रॉयल्टी अचीवर बनता है, तो फिर क्या होता है, अब उसके सीने पे जो रॉयल्टी की पिन होती है ना, वो उसके दिल और दिमाग में भी रॉयल्टी का भाव पैदा करती है, और वो भाव उसको और तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित करता है। और वो तेज गति जब बढ़ती है, तो आपने देखा होगा कई बार आप इस मिशन में जिस पिन को अचीव किया है ना, 1 साल 6 महीने के अंदर आपकी वो लेवल मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों ने अचीव ही नहीं किया है ना, अचीवमेंट की भूख भी नहीं उनके अंदर आती है, और जहां है वहीं पे वो खड़े रह जाते हैं। इसलिए जब भी अपने को प्रूव करने का मौका मिले, हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। अब बात मैं आगे की करूं, हु एम आई, हमारी एक सबसे बड़ी जो हमारे सोचने का डायरेक्शन होना चाहिए, वो इस डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए कि मैं कौन, मेरी क्या पहचान है इस बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई व्यक्ति, या आप छोड़िए, आप तो चूंकि आज हम सारे लीडरशिप एंड रॉयल्टी और टेक्निकल हैं, हमारे एक साधारण व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के पास में इस बिजनेस को लेके जाते हैं, और गलती से सामने वाले से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि इस बिजनेस में आप क्या है, तो क्या आप हमें बताएंगे वो क्या जवाब देते होंगे? कोई व्यक्ति, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों तक? जी जी सर, यस सर। तो हुए मैं में इस चीज को क्या है, ये एक पहचान बनाने का मौका होता है। आपकी जब लेवल बढ़ती है ना, तो आपका रुतबा बढ़ता है, आपका रुआब बढ़ता है, आपकी मतलब वर्किंग बढ़ती है, आपका प्रभाव बढ़ता है आपके टीम के ऊपर। और ये बढ़ा हुआ प्रभाव क्या करता है, हर तरह से आपके बिजनेस को बढ़ाते चला जाता। और यही चीज हमें समझनी है और लोगों को समझानी है कि भाई जब हम इस बिजनेस में आए हैं ना, तो हमारी एक अलग पहचान जरूर होनी चाहिए, हमारे पास ये समझ जरूर होना चाहिए कि इस बिजनेस में वर्तमान में हम क्या हैं। ये कि यदि हम नहीं समझ पाते हैं, तो फिर इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात देखिए, मतलब मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कि मिशन मंथ में काम करने के बाद क्या होता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, एक इमेज क्रिएट होता है कि आप कौन है। मान लीजिए हमारे एक लीडरशिप अचीवर, वो स्टार प्लेटिनम कर गए, अब उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या हैं,
तो वो बताएंगे कि मैं देखिए मैंने तो इस लेवल से इस बिजनेस को शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था, बट आज मैं इस बिजनेस का एक लेवल होता है स्टार प्लेटिनम का, मैं उस लेवल पे हूँ। आप में से किसी की टेक्निकल की पिन चेंज होती है तो आपका आइडेंटिफिकेशन चेंज होता है और आपका बदला हुआ आइडेंटिफिकेशन आपके प्रभाव को बढ़ाता है और तब आपकी टीम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। दो चीजें हैं दोस्तों, आइडेंटिटी एंड इमेज, ये दोनों जब हमारी क्रिएट होती है, भाई आज से 6 महीने पहले तक आप हमें किस नाम से जानते थे, किस लेवल से जानते थे? स्टार रूबी। अच्छा, तब और अब में कोई फर्क आया है नहीं, ये बताइए। बहुत बड़ा, बहुत फर्क। क्या आप क्या आप में से कोई मेरा बिजनेस देखने आए हैं? नो, नहीं सर। मैं देखिए, चूंकि वी ऑल आर लीडर्स, तो मैं खुल के बात कर रहा हूं आप लोगों से, बट आइडेंटिटी बदली या नहीं बदली? बदल गई, बिल्कुल बदली। और आइडेंटिटी बदलने की वजह से ये इमेज चेंज हुआ या नहीं हुआ? सुबह हुआ सर। तो ये एक शानदार मौका होता है, हमें इसको कैश करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ये मौका होता है, देखिए एक बड़ा चेक लोग शो करते हैं, ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हर हमेशा नहीं आता है, बट एक इनकम ही जो बढ़ी आती है साल के 2 महीने जो इनकम आ जाती है आपके पास में, मान लीजिए आपकी रेगुलर इनकम है 15,000, 20,000 या 25,000, बट साल की 2 इनकम आपकी 50,000 की आ जाती है, तो 15,000 के हिसाब से 12 महीने में कितना इनकम आया आपका? 1,80,000। और 2 महीने में कितना आ गया? 2.5 लाख। तो फिर दो महीने तो और कम करेंगे ना सर, जब यहाँ पकड़ रहे हैं तब तो हम 12 महीने का थोड़ी काउंट करेंगे, तब तो 10 महीने का काउंट करेंगे। जी जी। तो देखिए, समझने की बात यही है कि एक तो आप फाइनेंशियली इसको देखिए, सबसे पहला जो हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि लीडर्स को कैलकुलेटिव रहना चाहिए, बिजनेसमैन को कैलकुलेटिव रहना चाहिए। आप जरा सोच के देखिए कि मान लीजिए आपकी इनकम 2 मिशन में काम करने से 1 लाख ज्यादा आती, तो ये कितने महीने की इनकम के बराबर हो? लगभग, मतलब अब बताइए कि सर नुकसान कहां हुआ इसमें? नुकसान तो तब होगा ना जब हम गलत तरीके से इसको लेके आए। जी सर। तो हम 2 महीने में एक्स्ट्रा काम करके 6 महीने, और नेटवर्क में सीधी कैलकुलेशन कभी काम नहीं करती है, ये याद रखिए। जैसे कि मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया, ऐसा नहीं है। आज आपकी टीम में जोड़ लगती है, 10, 5, 20 रॉयल्टी लीडरशिप वाइटल आते हैं, तो ये 1 महीने का फर्क नहीं पड़ता है आपके बिजनेस पे, ये कई महीने, कई साल और कई जन्मों का फर्क पड़ जाता है, कई पीढ़ियों पे इसका फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नेटवर्क के जो कैलकुलेशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो दोस्तों, मेरा क्या कहना है यहाँ पे कि जब भी आइडेंटिटी को बढ़ाने का, इमेज को बढ़ाने का हमें मौका मिले, एक को बनाने का दूसरे को बढ़ाने का, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इमेज हमें आगे चल के और ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और इसके साथ जब हम काम करते हैं, तो अब छोटी सी बात है, आप एक पिस्टल के साथ काम कीजिए और एक 47 के साथ काम कीजिए, रिजल्ट में फर्क आएगा या नहीं? आप एक चम्मच से खेत की खुदाई कीजिए और एक कुदाल से खेत की खुदाई कीजिए, रिजल्ट में फर्क आएगा या नहीं आएगा? एक बैल वाले हल से खेत की खुदाई कीजिए, जुताई कीजिए, और दूसरी तरफ ट्रैक्टर से जुताई कीजिए, फर्क आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं, आज हमारे एक रॉयल्टी अचीवर अगले 2 साल तक रॉयल्टी के लेवल के साथ ही इस बिजनेस को करते, दूसरी तरफ वही रॉयल्टी अचीवर पर्ल स्टार पर्ल की पिन के साथ इस बिजनेस को करते हैं, खेत की जुताई बैल के साथ, ट्रैक्टर के साथ, रिजल्ट ज्यादा कहाँ है? ट्रैक्टर के साथ। समझ में बात आ रही है आप सभी लोगों के? यस यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो देखिए, आइडेंटिटी एंड इमेज, ये बनाने का जब भी मौका मिले तो इसको बनाइए। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने के काम का समर्थन करते, हम कतई इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलूंगा जिस पे आप सभी लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि मिशन में काम ना करने को ही हम लोग ग्रोथ का नाम दे देते,
नहीं तो यदि टीम ग्रोथ पे काम करे तो मैं जीवन में कभी बोलूंगा ही नहीं कि स्पेशली आप काम, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप यदि 10-15% भी कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ काम कीजिएगा तो भी अभी का बिजनेस एक साल बाद डबल से ज्यादा हो जाए। मानते नहीं मानते आप इस बात? और 2-3 साल में तो 10 गुना 20 गुना 40 गुना तक ये चला जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो दिक्कत क्या आ जाती है कि वहां भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं और यहां भी हम कुछ नहीं कर पाते। हम किसी दोनों में से एक का तटस्थ होकर चुनाव करें फिर तो बात ठीक है, लेकिन हम वहां भी नहीं करते हैं तो यहाँ जरूर करना चाहिए। ये चीज आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। एनी कंफ्यूजन एंड एनी क्वेश्चन? यदि हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए, जब हमारी इमेज बनती है फील्ड में तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है, हम ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। भाई मैं स्टार रूबी पे जितना मेरी चमक थी उससे मेरी चमक ज्यादा सफायर पे बढ़ी या नहीं बढ़ी? बड़ी। अशोक सर जब लीडरशिप रॉयल्टी थे और जब ये टेक्निकल बने तो चमक बढ़ी या नहीं बढ़ी, या फीकी हो गई, सो बता दीजिए। बड़ी सर। किन्हीं के, आप में से किन्हीं के कंधे पे सीने पे जब पिन बढ़ा ना तो आपकी चमक रिफ्लेक्शन आपकी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और उसका एडवांटेज आप ले रहे हैं इस बिजनेस में। वही यदि जिन लोगों ने रिफ्लेक्शन को नहीं बढ़ाया उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद हम प्लान करेंगे, देन एक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगे, देन प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगे, और ऐसे हमारी एक ऐसी इमेज बिल्ड होती चली जाएगी कि मतलब धीरे 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 कहां से कहां। भाई आप देखिए, छलांग लगाना ही गलत होता तो आज मेरा बिजनेस करोड़ों में है या नहीं? जी सर। यस सर। चलिए, मानते हैं नहीं मानते आप लोग इस बात? जी सर। जी 100% मानते हैं। तो कैसे हो गया ये करोड़ों में, कैसे चला गया? क्योंकि पीने बढ़ती गई। अब हमारी पीन बढ़ती है तो क्या होता है भाई, अशोक सर आज इमराल्ड बनेंगे ना तो अशोक सर के डाउनलाइन के 10 लोगों के अंदर हौसला बनेगा। इरो सर आज स्टार इमराल्ड बनेंगे, इरो सर के नीचे 10 लोगों का हौसला बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आज इमराल्ड बनेंगे, डॉक्टर साहब के नीचे 10 लोगों का हौसला बढ़ेगा। अरविंद सर आज इमराल्ड करेंगे, अरविंद सर के नीचे 10 लोगों का हौसला बढ़ेगा। क्या कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, नहीं तो हौसला ही नहीं बनेगा। मान लीजिए अब अरविंद सर ने ही नहीं किया तो नीचे किसका हौसला बनेगा? वो तो देख रहे कि यार हमारे गुरुदेव का तो हुआ ही नहीं तो हमारा कैसे, समझिएगा इस बात। तो ये मौका हमें ना चूकना नहीं चाहिए और एक एक मिनट के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे हमें झोंक देनी चाहिए। माफ कीजिएगा किन्हीं का नाम छूट रहा हो, तो संजय सर, सुधीर सर वगैरह का एग्जांपल मैं नहीं दे पाया। तो अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। मान लीजिए हमने ये तो तय कर लिया कि हमें देखिए क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि 6 घंटे की ट्रेनिंग 60 मिनट में कवर करना है मुझे। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। लक्ष्य क्यों जरूरी है? यदि हम लक्ष्य ना बनाए तो फिर क्या होगा हमारे साथ में? देख लीजिए, ये दो पिक्चर आपको दिख रही होगी, विच वे टू गो। अब एक आदमी को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? इस आदि मानव की तरह होती है। आज यदि किसी व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं, गोल का मतलब समझते हैं ना, या बताना पड़ेगा? सो बताइए। लक्ष्य, ड्रीम। हाँ हाँ, लक्ष्य तो होता ही है लेकिन इसका मतलब पूछ रहा हूं आप लोगों से। एब्सोल्युटली राइट। ये जब तारीख पड़ जाती है ना तब वो लक्ष्य बनते हैं, नहीं तो वो क्या रहते हैं, सपने रहती है। भाई हमें इमराल्ड बनना है, ये हमारा सपना है, गोल नहीं है। हमें 31 मार्च तक इमराल्ड बनना है, ये गोल। हमें रॉयल्टी बनना है, ये मतलब गोल नहीं है, ये क्या है, बस एक सपना है। लेकिन हमें 31 मार्च तक रॉयल्टी बनना है, ये क्या है, गोल है। हमें 20 वाइटल अपने टीम में ले आने हैं, 20 लीडरशिप अपने टीम में ले आने हैं, ये क्या है, सपना है। और सपना पूरा नहीं होता है, जब आप पूरा करना चाहते हैं तो वो आपके गोल से आपको डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है, ऐसी होती, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना। और पता होता भी है तो फिर क्या होता है, कोई टाइम डिसाइड नहीं। भाई जिन्होंने सोच लिया कि नागपुर जाना है ये सामान लाने, लेकिन
तय ही नहीं किया कि कब जाना है तो वो कभी मार्केट में जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को पता होता है वो पैसे वाला व्यक्ति होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ सोचिए मत कि करना है, कब करना है ये सोचिए, तभी जाके ये होता है। और इसीलिए इस तरह के जब भी मौके आते हैं तो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए लक्ष्य होने से क्या फायदे होते हैं हमारे पास में, देखिए अपने ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। आपके पास यदि लक्ष्य नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहा था कि मिशन में काम ना करने को लोग क्या समझ लेते हैं कि हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, उनकी ऊर्जा बेकार हो रही है। वो घर में 3 घंटे टीवी को देखते हैं, 3 घंटे बच्चे को देखते हैं, 3 घंटे बीवी को देखते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ना वो राइट डायरेक्शन में कभी यूज ही नहीं हो सकती है जब तक कि उनके लाइफ में कोई गोल ना हो। और मैंने क्लियर कर दिया कि सपना और गोल के अंतर को आप लोग समझिएगा, जैसा कि अशोक सर ने भी आपको बताया। तो अपने ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए गोल का होना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा भाई, मैं पटना से निकला रेलवे स्टेशन के लिए, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, अब वो क्या मेरा सपना था, गोल नहीं था। रास्ते में कोई मुझे व्यक्ति मिल गया कार या मोटरसाइकिल लेके और उसने कहा कहाँ जा रहे हैं, पूछा उसने, तो मैंने उनको बताया कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ, तो ठीक है मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा इधर से होके जाऊंगा। अब इधर से होके मैं क्या हुआ, पूरे दिन उसी के साथ तो मेरा टारगेट अचीव हो पाता है, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अब हम उसके गोल के साथ चल रहे हैं, उसके ड्रीम के साथ चल रहे हैं हम, तो चूंकि गोल बनाए नहीं, तेरे गोल बनाते तो हम आराम से पहुंचते, नहीं बनाया तो क्या हुआ, एनर्जी सही जगह पे नहीं लगी। एनर्जी को सही जगह पे लगाना है, गोल का होना जरूरी है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गोल का होना जरूरी है। काम में फोकस होने के लिए गोल का होना जरूरी है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए गोल का होना जरूरी है। और साथ ही साथ अपनी सफलता की योजना बनाने के लिए गोल का होना जरूरी है। अब देखिए जिनको मार्च में काम करना है वो प्लानिंग के ऊपर लग गए या नहीं लग गए, सो बताइए। यस सर, जिनको काम करना है मैं एक मिनट होल्ड करूंगा प्लीज। थोड़ा ना जो लोग ऐसे जो शामिल हो रहे हैं सर, थोड़ा सा पहचानिएगा आप लोग। आरसीएम नाम से लिखा हुआ सर एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अशोक सर। जी जी सर, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए एनर्जी को सही डायरेक्शन में देने के लिए, सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, काम पे फोकस्ड होने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्लानिंग के लिए, इन सब चीज के लिए गोल की जरूरत है। नहीं तो जो आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों का मार्च का कोई प्रोजेक्ट नहीं, वो आराम से बैठे हुए हैं घर में, और उस आराम से बैठने को वो नाम क्या देते हैं कि हम फोकस क्या कर रहे हैं, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है, उनका बिजनेस जितना क्लोज हो जाता है वही उनका ग्रोथ है। कोई टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है भाई। साल में 2 महीने काम करने में तकलीफ जिसको हो जाती है वो 12 महीने काम कर लेगा क्या, आसानी नहीं है उसके। तो थोड़ी सी हमें हमारे हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। तो लक्ष्य का होना इस वजह से हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देन लक्ष्य क्या बनाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। बहुत सारे कंफ्यूजन होती है हम सभी लोगों के अंदर। तो जो किताब अभी अशोक सर दिखा रहे, तो उस किताब में राइटर बोलते हैं कि जितना हम सोच सकते हैं, जितना हमें भरोसा है, उससे 10 गुना बड़ा हमें टारगेट बनाना चाहिए। यानी कि हमने लाइफ में सोचा कि 1,00,000 रुपए हम कमा सकते हैं, तो हमारा गोल बनना चाहिए 10,00,000 कमाने। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। देन आप इस पिक्चर को देखिए, मैं बता रहा हूं, इफ यू हिट द टारगेट एवरी टाइम इट्स टू बी और नियर। यदि आप लक्ष्य को हर हमेशा हिट कर रहे हैं तो या तो ये बहुत बड़ा होगा जो कि आपसे इतना मेहनत करवाता होगा कि ये कभी आपसे छूटे ही नहीं, या फिर ये इतना करीब होगा कि बिना प्रयास के भी ये हिट हो जाता है। आपने देखा होगा ना कई तारीख, हर महीने जब हमारी बिजनेस क्लोज होती है तो डाउनलाइन कई हमारी फोन करके वो सर 1,15,000 क्लोज कर दिया। 1,15,000 क्लोज कर दिया वो ऐसे बताते हैं ना जैसे कि 1,500,000 को क्लोज किया हो। 1,15,000 क्लोज करना भी बड़ी बात है यदि उसके पहले आपका 70,000 था, 40,000 था या 20,000 था।
लेकिन आपने पीछे भी एक पंद्रह किया, उसके पीछे भी एक पंद्रह किया, उसके पीछे भी एक पंद्रह किया, और अब आप बोल रहे हैं कि ये कर दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि गोल जो है हमारा वो काफी बड़ा होना चाहिए। इफ यू एम एट नथिंग यू विल हिट इट एवरी डे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका हर महीने टारगेट हिट होता है। और टारगेट कौन सा हिट होता है? बचपन में हम लोग ना गोली फेंकते थे, छोटे ईंट के टुकड़े फेंकते थे दीवार पे, और खेल खेल में जाके जहां वो ईंट का टुकड़ा लगता था उसके चारों ओर जाके सर्कल बना देते थे कि देखे जहां हम चाहे वहां पे हिट कर दिए। तो ये क्या हो रहा है कि जब हम विदाउट गोल आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे साथ हो रही होती है। तो इस चीज को समझना हम सभी लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि दोस्तों गोल बनाइए, मतलब गोल होना भी चाहिए और गोल बड़ा भी होना चाहिए, तब जाके हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हैं। अब इसके होने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, मिशन की बात जब आती है तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैं पिन की बात कर रहा था आप सभी लोगों से। तो पहला चीज है कि देखिए दूसरों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे पहले हमारी अचीव की हुई पिन हमें मोटिवेट करती है। आर यू एग्री विथ मी? सहमत है मेरी बात से आप लोग? यस सर। जब हम किसी लेवल को अचीव करते हैं, जब किसी बड़े इनकम को अचीव करते हैं, मैं आपको याद होगा सेमिनार में बार बार वो एग्जांपल रखता था कि जब 1,04,000 का चेक आया था तो सैकड़ों हजारों बार मैंने काउंट किया, 21,000, 17,000, 10,000, बहुत बड़ी बात थी मेरे। मुझे देखिए पता था कि मेरे जीवन में एक ना एक वक्त आएगा जब मैं लाखों नहीं करोड़ों कमाऊं, लेकिन जब वो आया तब मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था। वो एक गोल था जिसको मैंने अचीव किया, और जब अचीव किया तो मैं क्या हुआ? मोटिवेट हुआ। तो अपने आप को मोटिवेट, देखिए लीडर के अंदर मतलब फ्यूल, मोटिवेशन रूपी फ्यूल जितना ज्यादा रहता है ना, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम, उसकी पोजीशन, ये लगातार बढ़ती चली जाती है। और ये इस चीज का मोटिवेशन नहीं रहता है तो फिर हमारी ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, जब हम एक नए लेवल को अचीव करते हैं तो हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं, देन कनेक्ट होते हैं। किस चीज से? अप्लायंस से, टीम से, सिस्टम से, हर चीजों से हमारी कनेक्शन जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। आप पूछिए अपने आप से कि जिस वक्त आप इस बिजनेस में आए उसी टाइम आपकी पहचान आपके टीम में बन गई, या फिर जब आपने अनएक्सपेक्टेड काम किए तब जाके आपकी पहचान आपकी टीम में, आपके अप्लायंस में, आपके सिस्टम में तैयार। पूछिए अपने आप से, जवाब मिलेगा आप। तो क्या है, कनेक्ट होने का एक शानदार मौका मिलता है। देन इंस्पायर। इंस्पायर कौन होता है सबसे ज्यादा? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन जो मिलती है वो हमारी डाउनलाइन को मिलती है। दोस्तों आज आप देखिए कि मैं जब स्टार रूबी था तो मेरे डाउनलाइंस का टारगेट था स्टार रूबी बनना। आज मैं जब सफायर बना तो मेरे डाउनलाइन का टारगेट है सफायर बनना। कल को मैं जब डायमंड बनूंगा तो मेरे डाउनलाइन का टारगेट होगा डायमंड बनना। और मैं बनू ही नहीं तब तो छोटी सी बात दिमाग में जाएगी डाउनलाइन के कि जब सरकार नहीं हो रहा है तो मेरा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा प्रूव करते रहना चाहिए, जब भी मौका मिले इसका भरपूर फायदा हम सभी लोगों को उठाते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या होना चाहिए ड्रीम? तो ये पिक्चर आपके सामने है। देखिए हमारा ड्रीम भारत के सांसद भवन में जाना नहीं है, हमारा ड्रीम क्रिकेट के ग्राउंड में शतक लगाना नहीं है। हमारा ड्रीम क्या है, इन्हीं में से कोई है कि हमें वाइटल के लेवल्स को चेंज करने हैं, देन टेक्निकल के लेवल्स को चेंज करने हैं। यदि हम स्टार प्लेटिनम के मैक्सिमम लेवल पे हैं तो अपने टीम में कई सारे स्टार प्लेटिनम लेके आने हैं ताकि हम एक मजबूत छलांग पे लगा सके, मजबूत छलांग पा सके। आपने देखा होगा कि एक वक्त मेरे बिजनेस में ऐसा आया था कि मैं भी स्टार रूबी था और मेरे दोनों ही ग्रुप में स्टार रूबी और स्टार रूबी थे। याद है या भूल गए आप लोग? जी सर, याद है सर। यस सर, यस सर, जी सर। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बदल गया सिनेरियो सर, फिर सिनेरियो चेंज हो गया। तो ये आप मतलब कई बार ना हमारे स्टार प्लेटिनम साथी ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा क्या होगा, हम तो सबसे बड़ा रॉयल्टी का पिन अचीव कर लिया। नहीं, कुछ नहीं, ये तो आपने पिन अचीव किया है, पिलर्स बढ़ाने का मौका है आपके पास में जो आपकी इमारत को मजबूती से संभाल सकेंगे।
और आप तेज गति से टेक्निकल की तरफ मूव, जरा सोच के देखिए, आप 10-10 स्टार प्लेटिनम अपने दोनों साइड में तैयार करते हैं, फ्यूचर में 2.5-2.5 लाख भी उनका बिजनेस होता है तो आपका 25-25 लाख का बिजनेस तैयार होता है। यानी कि आप ना सिर्फ क्वालिफाई करते हैं बल्कि इमराल जैसे लेवल को मेंटेन करना भी शुरू कर देते हैं। तो हम तब की प्लानिंग क्यों करें जब हम टेक्निकल बनेंगे, हम उसकी तैयारी आज से ही और अभी से ही क्यों ना शुरू कर दें? ये चीज आप सभी लोगों को समझने की जरूरत है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लेवल पे ही हमारे लोग आने चाहिए, बल्कि इससे तो और आपकी इमेज बनती है कि जब आपका कोई टारगेट नहीं होता है और आप अपने डाउनलाइन के टारगेट के लिए जान लगा देते हैं दोस्तों, तो इससे एक अलग इमेज आपकी बनती है। और आरसीएम में बना हुआ इमेज एक दिन का इमेज नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है। आप मार्च 2022 में काम करेंगे तो ये इमेज सिर्फ मार्च 2022 तक नहीं काम करेगा, 2042 में भी काम करेगा और 2072 में भी काम करेगा, चाहे हम आप रहें या ना रहें, इस इमेज को ही तो रहना है। बस इसलिए इसके ऊपर जितनी मजबूती से काम कर सके हमें करना चाहिए। देन लक्ष्य में किन बातों का ध्यान रखें, तो दोस्तों दो चीजें ध्यान रखने की होती है, नंबर 1 चैलेंज एंड नंबर 2 अपॉर्चुनिटी। जब भी टारगेट को हम प्लान करते हैं तो दो चीजों का ध्यान हमें रखना होता है, नंबर 1 चैलेंज एंड नंबर 2 अपॉर्चुनिटी। तो आइए सबसे पहले चैलेंजेस को देखते हैं कि जब हम मार्च में यदि काम करते हैं एक बड़ा लक्ष्य बना के, तो हमारे साथ चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए, चूंकि मार्च फाइनेंशियल ईयर है सभी के लिए, तो थोड़ी पैसे की क्राइसिस होती है लोगों के पास भी, लेकिन पैसे की क्राइसिस का ये कतई मतलब नहीं है कि फिर काम नहीं होता है। काम होता है और सबसे बड़ा होता है, आर्थिक जगत में सबसे बड़ी क्लोजिंग किसी भी संस्था की होती है ना, तो वो मार्च महीने में ही होती है। किसी इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बड़ी टर्नओवर मार्च में ही आती है, किसी बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी टर्नओवर मार्च में ही आती है। मतलब कोई भी कमर्शियल डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, उसका सबसे बड़ा क्लोजिंग मंथ मार्च में ही होता है। क्यों? टारगेट मंथ होता है और इसीलिए सबसे बड़ी क्लोजिंग वहां पे होती है। तो ये चीज आप याद रखिए कि जब हम एक व्यवसायी हैं तो हमें चीजों पे फोकस मजबूत तरीके से रखना चाहिए, कमजोर तरीके से नहीं। देन मार्च में लोगों की व्यस्तता थोड़ी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का क्लोजिंग प्रेशर उसके पास में रहता है, फाइनल एग्जाम और एडमिशन का भी टाइम रहता है लोगों के पास में, बैंक हॉलीडे भी ज्यादा होते हैं और टैक्स भरने का फाइनल मंथ होता है ये। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सालों साल से चलती आ रही है ये चीजें और सालों साल से हम लोगों का मिशन मंथ भी चलता आ रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये ट्रेनिंग, देखिए ये ट्रेनिंग आज मैं जो दे रहा हूँ ना आपको, ये लेने के लिए भी दे रहा हूँ और देने के लिए भी दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो हम पहले ही प्रिपेयर होंगे, हमारे लोग प्रिपेयर होंगे कि हमारे पास ये एक्सक्यूजेस आ सकते हैं। कोई बोल सकता है कि इस बार की सैलरी तो टैक्स में ही चली गई, कोई बोल सकता है कि इस बार की सैलरी तो एडमिशन में ही चली गई, कोई बोल सकता है कि इस बार तो फाइनेंशियल क्लोजिंग मंथ है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, कोई बोल सकता है बैंक हॉलीडे बहुत ज्यादा है, या फिर पीयूसी और प्रोडक्ट एबिलिटी को प्लान आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जब प्रिपरेशन हमारे पास पहले से रहेगी तो उसके राइट आंसर्स भी हमारे पास में पहले से होंगे। अब आते हैं थोड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो देखिए, सभी का टारगेट मंथ होता है दोस्तों, आपके अपलाइन का, आपके डाउनलाइन का, कंपनी तक का टारगेट मंथ होता है। आप बताइए पीयूसी की इंसेंटिव किस महीने फाइनल होती है? मार्च और सितंबर होती है या नहीं होती है सर? जी सर। तो पीयूसी के लिए टारगेट मंथ हो गया या नहीं हो गया? जी सर। तो जब पीयूसी के लिए टारगेट मंथ हुआ तो पीयूसी वाले डायरेक्ट सेलर को हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर, पहली बात। दूसरी बात, आपके अप्लायंस के टारगेट हैं तो उसकी वजह से आपका हेल्प बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा सर। आपका डाउनलाइन का टारगेट है तो काम ज्यादा आसानी से होगा या नहीं होगा? आसान से होता है सर, बस उनके रोड मैप में अपने को शामिल हो जाना था। शामिल कर देना। तो यही चीज आपको समझना है कि सभी का टारगेट मंथ होता है और सभी के टारगेट होने के कारण काम ज्यादा आसान हो जाता है, टारगेट को हिट करना, गोल को हिट करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब मतलब न्यूट्री चार्ज महाबचत की यदि बात करें तो इसमें भी शामिल होने का ये अंतिम मौका रहेगा आप सभी लोगों के पास में, जो सिक्स मंथ वाली
प्रोजेक्ट होती है जो छठे महीने उतनी के डीपी का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, उसमें भी लोगों को शामिल करवाने का ये आखिरी मंथ होगा। और यहाँ पे मैं आप सभी लीडरशिप एंड एबव अचीवर से ये कहना चाहूंगा कि आपके टेक्निकल को लॉक करने का एक शानदार मौका रहेगा। यहाँ यदि आप किसी को लॉक करा दिए तो फिर आगे आप अपने बिजनेस को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि 6 महीने तो वो करेंगे ही करेंगे। यानी कि जो बिजनेस आप मार्च में खड़ा कर देंगे वो न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ आपका साथ बढ़ता रहेगा और अदर प्रोडक्ट के बिजनेस अलग तरीके से आएंगे। होली जैसा महापर्व है हमारे बीच में, और मैं यहाँ पे एक ही चीज करना चाहूंगा, वी ऑल आर बिजनेसमैन, तो हमारा फोकस भी, हमारी हैबिट्स भी एक बिजनेसमैन जैसी होनी चाहिए, हमारी वर्किंग भी एक बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। आज आपको पता नहीं, आप मंडियों में जाइए, ड्राई फ्रूट वाला ट्रक का ट्रक ड्राई फ्रूट इकट्ठा कर रहा है, आटे मैदा सूजी वाला ट्रक का ट्रक वो इकट्ठा कर रहा है, तेल घी वाला ट्रक का ट्रक उसको इकट्ठा करने में लगा है, और कितने दिनों से लगा है। रंग अबीर की फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही है, 24 आवर काम कर रही है। हमारे आपके लिए होली कब है? 18 या 19 मार्च को है। नहीं, होली के फायदे लेने वाले के लिए तो 3-4 महीने पहले ही होली शुरू हो चुकी, बहुत बड़ी तैयारी के साथ वो इसके ऊपर लग गए, कपड़े वाले कपड़े बनाने में। मतलब आप देखिए कि प्लानिंग कितनी होती है कि पजामा कुर्ता बनता है, नाड़ा सिलने वाला नाड़ा सिलने में लगा हुआ, वो भी प्लानिंग करके रखे हुए कि हमारा इतना लग भी जाए। तो ये होता है मतलब बिजनेसमैन का फोकस। और ये हम लोग क्या, होली है, अब होली है तो एक नॉर्मल प्लानिंग किए, अब चाय पकौड़ा घर में ही खाए और कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक बिजनेसमैन की तरह हमें तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है, और देन हम उसका एक शानदार बेनिफिट लेंगे। और आगे की यदि मैं बात करूं आपसे, खुद में और टीम में उत्साह बढ़ाने का ये एक शानदार मौका है, ठीक है। बट नेचुरली जब काम होंगे तो दिन रात होंगे, और दिन रात होंगे तो एक अलग रिदम बनेगा लोगों का, एक अलग रिदम बनेगा तो फिर उसके इफेक्ट्स तो दिखेंगे, वो वन टाइम नहीं दिखेंगे, मतलब कई बार दिखेंगे। और ये चीज आपको समझना है कि टीम में माहौल बनाने का, टीम को उत्साहित करने का, टीम में जुनून पैदा करने का एक शानदार अवसर आप सभी लोगों के पास में है, जिसको कि हमें छूपना नहीं चाहिए और किसी कीमत पर। और ये सब आप काम नहीं करेंगे तो जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, फिर क्या होगा, 20 साल में रॉयल्टी मेंटेन करेंगे, 40 साल में टेक्निकल मेंटेन करेंगे, इसी तरह से कहानी चलती रहेगी। जैसे ये न्यूट्रीचार्ज एंट्री की यदि हम बात करें तो ये एक शानदार अवसर है हम सभी लोगों के पास में, मार्च तक आखिरी है। इसके बाद टीसी सर ने भी बोल दिया है कि कोई ऑफर की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, तो इस चीज का ध्यान आप सभी लोग रखें। और आदरणीय टीसी सर तो सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं कि मिशन का नाम मत लो, क्यों, क्योंकि लोग काम ही नहीं करते, उसके पहले भी काम नहीं करते, उसके बाद में भी काम नहीं करते। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप मजबूत काम करने लग जाइए तो फिर वो भी आपको रोकने वाले नहीं है, वो भी आपको अप्रिसिएट ही करेंगे। तो देन अब आते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो होली है, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां बिना डैमेज के आप में से बैठा हर एक लीडरशिप अचीवर लाखों लाख का बिजनेस खड़ा कर सकता है। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि 20-20 लाख का बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, बिना किसी डैमेज के। अब आप बोलिए तो हम बताएं, नहीं तो मीटिंग को खत्म करें। नहीं सर, यस, जानना है सर, जानना है सर, नहीं सर, जानना है सर, इतने पे तो नहीं बताएंगे सर, इतने सर जानना है सर। चलिए तो सबसे पहले थाली को चेक कीजिए, मतलब ये एक थाली नहीं देखनी है, चारों तरफ की थाली देखनी है, ये हर जगह तैयार होती है नहीं होती है होली में? सर गुलाब जामुन, गुजिया सब। हाँ, अब क्या सिर्फ पारसी वालों के यहाँ बनता है ये, या सभी के यहाँ बनता है? सब क्या, बस हमें मालूम है कि होली में बनता है और पूरा मार्केट आज इसी की तैयारी में लगा हुआ है। हमको आपको पता नहीं है, लेकिन पूरा मार्केट जो है वो इसी की तैयारी में लगा हुआ है। और तैयारी कितने करोड़ों अरबों की होती है ना, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल। ध्यान रखिएगा, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को तेल नहीं मिलते, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द सेंस आरसीएम के डायरेक्ट सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनको की 20 ट्रक चाहिए होता है और 15 ट्रक मिलता है, 10 ट्रक मिलता है, तो ये सीन रहती है मार्केट की। और इस मार्केट का यदि हमने जबरदस्त फायदा उठा लिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, अब उसका मैं एक इम्पैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। तो आइए फोकस करते हैं होली को,
जहां के बिना किसी नुकसान के हम लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, अपने जानकार और रिश्तेदारों से होली की खरीदारी के लिए अभी से संपर्क करना शुरू कर दें। कब से? अभी से। आप देखिए, आपके मोबाइल फोन में 400-500 कॉन्टेक्ट नंबर है, एक दो नहीं, 400-500 कॉन्टेक्ट नंबर, इसमें 5-10% ही कॉन्टेक्ट नंबर आपके डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के होंगे, बाकी 90-95% नंबर किनका है? जानकार लोगों का है। और जानकार लोग जब हैं तो क्या करना है, नजदीक वालों से मिलकर ऑर्डर लेना है और दूर वाले को अपना आईडी और नजदीकी WWK का पता हमें बता देना। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि एक शानदार लॉ ऑफ एवरेज यहां पे काम करेगा आपके। आप आज से और अभी से अपील करना शुरू कर देंगे ना कि इस बार ऑर्डर हमारे यहां से। मैं अभी रिसेंटली परसों मेरी वाराणसी में इसी को लेके मीटिंग थी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कम से कम 400 लोगों के पास में बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं जिसमें कि 85,000 तक के ऑर्डर हैं। और अभी ये दो दिन का खेल है, ज्यादा दिन का नहीं, दो दिन का। मैंने क्या किया, मैंने एक ही अपील करी लोगों से, और वो अपील क्या थी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि उनके खरीदारी से होने वाले लाभ जो उनको होगा वो भी उनको बताइए, और उनकी खरीदारी से आपको जो लाभ हो वो भी उनको बताइए। ऐसा नहीं कि हम किसी को अप्रोच किए, मान लीजिए मेरे मामा जी हैं, मैंने उनको कहा कि आपको आरसीएम से सामान खरीद लेना चाहिए, नहीं मामा जी, आरसीएम से सामान ही खरीदिए, क्योंकि बाजार की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, जो भी सामान बाजार में मिलते हैं वो कितने डुप्लीकेट होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। आरसीएम में एक अच्छी बात क्या है कि आपको चीजें ओरिजिनल मिल जाती है, जिससे कि किसी के सेहत पे, सेहत का जरूर वहां पे पॉइंट नोट कीजिएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, और सेहत आपके ध्यान में ना भी हो तो भी ये एक मेरी अपील है आपसे, क्योंकि मेरा ये एक टारगेट मंथ है। और आप यदि अपने केवल घर में इस्तेमाल होने वाले सामान होली के बाहर से खरीद के आरसीएम बाहर के बजाय आरसीएम से खरीद लीजिएगा तो उससे मेरा प्रमोशन जुड़ा हुआ है। क्या बोलना है, उससे मेरा प्रमोशन जुड़ा हुआ है। ये चीज हमें जरूर ऐड करनी, क्योंकि ये ऐड नहीं करेंगे ना तो लोग क्या समझेंगे मालूम है, लोगों को, इंडियन आदमी का दिमाग उल्टा चलता है, लोगों को लगेगा कि ये अपने फायदे के लिए हमको बोल रहे हैं, और फायदे के लिए तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन जब हम उनको होने वाला फायदा बता देंगे तो वहां पे क्या होगा, एक इमोशन काम करेगा, इमोशन जो कि हम हमारे बेनिफिट को नहीं बताएंगे तो वो क्या होगा, एक प्रपोजल होगा उनके लिए। हमें प्रपोजल नहीं देना है, हमें रिक्वेस्ट देना है, याद रखिए, प्रपोजल नहीं देना है कि होली का सामान आप आरसीएम से खरीदिए, हमें रिक्वेस्ट करना है कि होली का सामान आप आरसीएम से खरीदिए। तो नंबर वन, अपने जानकार का और रिश्तेदार का होली की खरीदारी के लिए मतलब संपर्क करना है। नंबर टू, मिलकर ऑर्डर लेना है। नंबर थ्री, दूर वाले को अपनी आईडी और नजदीकी WWK थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर डाटा निकाल के सारा कुछ करके नजदीकी WWK पे भेजना है आईडी देने के साथ। ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया, वहां से उन्होंने फोन किया कि हम खरीद लिए थे और बाद में पता चला कि पीयूसी वाले ने अपने आईडी पे काट दिया, ऐसा नहीं। सारी डिटेल के साथ पूरी फॉलोअप करते हुए ये काम करना है और उनसे खरीदारी के लाभ उनको बताने हैं और लगातार उनको फॉलोअप करते रहिए जब तक कि उनकी परचेजिंग हो नहीं जाती। ये एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, आप में से कई लोग, एक नहीं कई लोग, आप नहीं आपके डाउनलाइन में भी कई लोग को उनकी नेटवर्क से भी बड़ा वॉल्यूम यहां से मिलेगा। आप अपने नेटवर्क से बड़ा वॉल्यूम इस कंसेप्ट पे काम करके ले सकते। अब कहिए तो मैं एग्जांपल दूं आपको, जरा देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह काम किया, हर कोई ब्रॉडकास्ट बना सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाइएगा, जब भी बनाइएगा तो ब्रॉडकास्ट बनाइए, और ब्रॉडकास्ट बना के आपने रिक्वेस्ट डालना शुरू किया, जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग होती जाए आप उनको उस जगह से आपको रिमूव करते जाइए। अब मान लीजिए आपके डाउनलाइन ने यह काम शुरू किया और 25 लोग उसके कहने से 5,000 भी कर लिए, तो उस व्यक्ति का बिजनेस कितना होगा, 1,25,000। किसी के 50 रिश्तेदारों ने, जानकारों ने 2,000 की बीवी की खरीदारी कर ली तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए का हो जाएगा। और किसी के 200 लोगों ने 1,000 की खरीदारी कर ली तो भी 2,00,000 का बिजनेस यहाँ पे तैयार हो सकता है। और इसके लिए उस व्यक्ति का किस लेवल पे होना जरूरी होगा ये बताइए, ये 1,25,000 का करने के लिए, 1,00,000 का करने के लिए या 2,00,000 का करने के लिए एक व्यक्ति का नेटवर्क में कितने लोगों का होना जरूरी है,
एक भी नहीं, क्योंकि ये टोटल बिजनेस का कैलकुलेशन कहां से आ रहा है? उन लोगों से जो इस बिजनेस में नहीं, नहीं। तो ध्यान क्या रखना है, हम यहां से इतना बड़ा वॉल्यूम ले सकते हैं जो कि अपने नेटवर्क से भी नहीं ले सकते, नंबर वन। नंबर टू, हमारे 90% डेड लोगों का भी एक लिस्ट है हमारे पास, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं हम परचेजिंग के लिए, तो वहां से भी हम लोगों को इकट्ठा करें। और ये वॉल्यूम कितना बड़ा रूप ले सकता है, आइए इसका एक मूल्यांकन करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि किन्हीं लीडरशिप अचीवर को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जरा, नए नए पुराने नहीं, नए 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 लीडरशिप को आप इनवाइट कीजिए, जिनकी सबसे छोटी टीम हो। जरा चौहान जी, जयेश, जयेश, हाँ चलिए जयेश जी, आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं मालूम है आपको? जी सर। कितने? 300 सर। 300 खरीदारी कितने करते हैं सर? सर 1000 करते हैं, 2500 भी करते हैं। नहीं नहीं, 300 में से कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। 150 से 200। चलिए अब 150 से 200 लोग जो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनके साथ एक प्लानिंग करें कि इस महीने में हम आपकी इनकम बढ़वा सकते हैं, आपका लेवल बढ़वा सकते हैं, आपका सेलिब्रेशन करवा सकते हैं, जो भी चीजें होती है अचीव करने के बाद, वो सारी चीजें मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, आपको डिटेल में बात करनी है कि 150 लोगों से आपने ये किया कि 150 लोगों का ब्रॉडकास्ट बनवाया। क्या कराया आपने? 150 लोगों का ब्रॉडकास्ट। अब 150 लोग यदि 200 लोगों को भी मैसेज भेज रहे हैं, भाई 200 जानकार होंगे या नहीं होंगे एक व्यक्ति के? सौ मान ले, कितना माने आप लोग बताइए कितना माने? मेरे हिसाब से तो मेरा मेरा तो सिंपल मैनेजमेंट है, मोबाइल में जितना नंबर है सब जानकारी है। यस सर। तो ऐसे में मान लीजिए 150 लोगों ने 100 लोगों को मैसेज भेजना शुरू किया, अपील करना शुरू किया, रिक्वेस्ट करना शुरू किया, तो वो मैसेज कितने लोगों तक पहुंच रहा है सर? 15,000। और ये कौन है? आरसीएम के लोग हैं? नहीं, ये मार्केट के कस्टमर है। यानी कि इस मिशन से नुकसान तो होगा, छोटा मोटा नहीं बड़ा नुकसान होगा, लेकिन आपका नहीं, आपके टीम का नहीं, आपके डाउनलाइन का नहीं, आपके अपलाइन का नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल वालों का। यस सर। तो 15,000 में से यदि 5,000 लोग, छोड़िए 5,000, 2,000 लोग 500 बीबी की ही खरीदारी कर लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1,00,000। नहीं नहीं, 2,000 लोग 500 बीबी का खरीदारी किए तो 10,00,000 सर। 10,00,000। और ये 10,00,000 अशोक सर किसका हो रहा है? 150 लोगों का। यानी कि एक लीडरशिप भी इस चीज को सही से प्रोजेक्ट कर देवे ना, तो याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था लाखों करोड़ों में वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है, लाखों करोड़ों में। मतलब ये मैं किसी सीनियर अचीवर को नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों का वॉल्यूम कर सकते हैं, ये एक सामान्य लीडर्स को मैं बोल रहा हूँ जिसके पास 40-50-100 लोगों की टीम है। बस जरूरत है कि हर एक व्यक्ति से मिलके कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग दे के, प्लानिंग समझा के ये 256 ब्रॉडकास्ट करवाना। आप क्या कीजिए, तरीका सिंपल है, एक बढ़िया शानदार मैसेज आपने बनाया, अपनी टीम में ट्रांसफर कर दिया कि भाई आप भी भेजो इसको अपनी टीम, सॉरी टीम में नहीं लोगों के पास में। अब वो टीम से कहां चली गई? रिश्तेदारों के पास चली गई, जानकारों के पास चली गई, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे, सुबह दोपहर शाम करेंगे। और ये कर लेने से देखिएगा कितना बड़ा वॉल्यूम, क्योंकि देखिए बाहरी दुनिया में भी अब लोग मानने लग गए हैं कि आरसीएम के खाने के जो सामान होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते, शुद्ध होते, मिलावटी नहीं होते। That's all. मतलब ये आप भी जानते हैं, आर यू एग्री विथ मी? सहमत है? Yes, sir. यहाँ पे एक बड़ा फोकस करके सो मनी प्रोडक्ट्स हैं, और जिसमें कि ऑयल इतना शानदार प्रोडक्ट है कि हर परिवार में, एक आम से आम परिवार में भी 4 से 5 लीटर तेल होली के दिन होता है, वो जितनी थाली अभी आप देख रहे थे ना वो तेल से ही तैयार होती है। तो हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे, किसी दूसरे का कर सकते हैं, बस जरूरत है
एक रिक्वेस्ट की, एक अपील। ये आंकड़ा आप बना के, चूंकि मैंने जो बनाया, मैं चूंकि सीनियर लोगों के साथ मीटिंग में था और छोटा मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ था, आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं। आप सारे लोग अपनी टीम में मीटिंग लीजिए, अभी के बाद लगातार मीटिंगें लीजिए, तीन तीन चार चार पांच पांच मीटिंगें लीजिए, एक एक व्यक्ति का ब्रॉडकास्ट बनवाइए, जिसको नहीं आना आता है बनाना नहीं, उनका बैठ के बना दीजिए, कैसे भेजेंगे वो बता दीजिए, बस वो क्या करेंगे, भेजते रहेंगे भेजते रहेंगे भेजते रहेंगे, 10% से लेके 30% 50% 40% तक आप देखिएगा एक बढ़िया फीडबैक आपको मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आज मैं जिस टीम में दो दिन पहले मीटिंग ले रखा हूं, तकरीबन 600 लोगों का बैक रिपोर्ट आ चुका है, बैक रिपोर्ट आ चुका है कि हमें यहां से ऑर्डर मिला, यहां से ऑर्डर मिला, यहां से ऑर्डर मिला, यहां से ऑर्डर मिला। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसका जितना भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, उसके बाद एक नई ऊर्जा का आपके अंदर ये होगा, क्योंकि मैं आपसे आपका कुछ चोरी नहीं करूं, कहीं से कोई डैमेज वाली बात ही नहीं करूं। आप, हम कहते हैं ना, आप में से हर कोई अपने आईडी पे 50,000,00,000 रुपया करेंगे भाई, जब हमारे आम लोगों के माध्यम से ये बिजनेस हो सकता है तो हम अब तो एक्सपर्ट हैं। अब हमारे आपके इतने दिन का अनुभव, हमारे 500 रिश्तेदारों से 500 बीवी ना करवा सके तो काहे का अनुभव है हमारे पास। अच्छा, चलिए मान भी लेके अनुभव होने के बाद भी नहीं हुआ तो ये मान लेंगे कि रिश्तेदार कोई नहीं, ताकि आगे कभी गफलत में नहीं पड़ेंगे, समय बर्बाद नहीं होगा। हमारे 50 रिश्तेदार 5-5 लीटर हेल्थ कार्ड खरीद देवे तो 25-30 हज़ार का वॉल्यूम हमारे खुद के आईडी पे तैयार हो जाए, और बाद बाकी सारे प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर जो ना थोड़ा मजबूत प्लानिंग के साथ युद्ध स्तर पे हम सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है। देन छोटी सी कैलकुलेशन आप सोच के देखिए कि 100 फैमिली हेल्थ कार्ड और सम अदर प्रोडक्ट आरसीएम के केवल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो सुपरविजन में परचेज करेंगे, तो कितना होगा, कितना होगा अनुमान लगाइए। एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर भी 50,000 से लेके 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका तैयार कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब अपने टीम के लोगों के ऊपर प्लानिंग नहीं करना है, टीम के लोगों पे प्लानिंग करना है। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, टीम के लोगों की प्लानिंग नहीं करनी है, टीम के लोगों की प्लानिंग करनी है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो इसके ऊपर जितने ज्यादा ब्रीफिंग आप कर पाएंगे, जितना ज्यादा इफेक्टिवली आप लोग फिजिकल मीटिंग कर पाएंगे, और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। आपको यदि बड़े वॉल्यूम के परचेजर्स चाहिए, आज से इस काम पे लग जाना होगा आपको, क्योंकि होली की खरीदारी कब होगी, होली कब है? 17-18 ये किसके लिए है? खेलने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए थोड़ी हो जाएगा 1 मार्च से? नहीं, अभी से शुरू कर देना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, 1 मार्च का इंतजार नहीं करना है यहाँ पे, वजह मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैक्सिमम जो एक अच्छे परचेजर होते हैं, वो ना डिसिप्लिन परचेजर होते हैं, वो महीने के 1-2-3 तारीख या 4 तारीख तक सैलरी मिलते ही घर का सारा राशन लेके आ जाते। एक जो कमजोर परचेजर होता है ना, वही जरूरत के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले खरीदारी करता है, नहीं तो जो भी अच्छे परचेजर है ना, वो एक बार जाते हैं और वो पूरा राशन लेके आते हैं। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, थोड़ा बताइएगा आप। और इससे क्या होगा कि होली का भी, अब देखिए होली के लिए कोई अलग खरीदारी करने नहीं निकलेगा, वो 1-2-3-4 तारीख तक यदि खरीदारी करता है ना, तो वो उसी दिन ज्यादा तेल ले आएगा, ज्यादा आटा लेके आएगा, ज्यादा मिठाइयों का सामान या जो भी चीजें हैं वो लेके आएगा, वो उसके लिए अलग कोई तैयारी नहीं करेगा। तो अभी से आप काम करेंगे तो ही आप 1 तारीख से इसको एग्जीक्यूट कराने पे करेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आना है ना, वो मेजर वॉल्यूम आना है 10 तारीख, और 10 के बाद फिर आपको अपने रोडमैप में लग जाना, फिर इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 70-80% वॉल्यूम आपका बिलो 10 को ही 1-10 आ जाएगा आपके पास में, और उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा जो जिनके पास पैसे वैसे की या समय की कमी होगी, वही लोग इसके बाद परचेजिंग करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फिर आपके पास
खूब सारा वॉल्यूम होगा नेटवर्क में, एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा होगा जिसके दम पे आप मैक्सिमम लोगों की पिन को प्लान कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो 25-50 हजार करना खुद के आईडी पे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। थोड़ा चेक कीजिएगा और म्यूट कीजिएगा। तो 25-50 हजार का काम किसी भी व्यक्ति लेके बड़ा काम नहीं रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं कैसे 25 हजार किसी का करवाऊं, नुकसान हो जाएगा। अरे कहां से नुकसान होगा, नेटवर्क से थोड़ी करवा रहे हैं वो तो फूफा जी मामा जी चाचा जी दोस्त मित्र रिश्तेदार इन्हीं लोगों से करवा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है हम सभी लोगों। अब वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, वो 5 लीटर की जरूरत होगी तो 5 लीटर लेंगे, 20 लीटर की जरूरत होगी तो 20 लीटर लेंगे, ये उनको डिसाइड करना है। अपने को क्या करना है, निवेदन करना है, इंटरेस्ट नहीं, निवेदन, याद है ना मैंने क्या कहा, निवेदन करना है। और अपने लोगों पे काम नहीं करना है, लोगों के लोगों पे काम करना है, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को जो कैलकुलेशन क्रिएट करना है वो कैसे बनाएंगे आप, वो मैं बताता हूँ। आप नेटवर्क के स्ट्रक्चर को पहले निकालिए और उस स्ट्रक्चर को गुना दीजिएगा 100 लोगों से कम, यानी कि आपके नेटवर्क में 1000 आदमी है तो 1000 × 100 आपको फोकस कितने लोगों पे करना है, इतने लोगों पे करना है। और इतने लोगों तक आपका काम क्या है, मैसेज एंड रिक्वेस्ट को टेलीकास्ट करवाना, फॉरवर्ड करवाना, यही आपका काम। कोई कंफ्यूजन, किन्हीं के कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए यहीं पे, इससे संबंधित हैंड रेज कर सकते हैं, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए महाराष्ट्र में और एमपी में होली होती है ना, चलिए बढ़िया है। छत्तीसगढ़ में और यूपी बिहार का तो पूछना ही नहीं, यहाँ तो लोग डर के मारे घर में बंद रहते हैं, ये ऐसी होली होती है यहाँ पे। तो लक्ष्य को कैसे हासिल करें, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सबसे पहले डिसाइड कीजिए। तो यहाँ 10x रूल को आप याद रखिएगा। और अब स्टार प्लेटिनम से नीचे तो कुछ सोचिए ही मत, जी हाँ, ना खुद के लिए सोचना है और ना ही अपने किसी वाइटल के लिए, क्योंकि सबके लिए आसान है ये होली प्रोजेक्ट के लिए। और क्या होगा, देखिए लक्ष्य जब हासिल, इसके प्रति सजग रहिए। सजग क्यों रहिए, क्योंकि हम ही भूल जाते हैं कि यार हमें करना क्या। अब आप किसी डाउनलाइन को बोलते हैं कि क्या भाई क्या टारगेट है, वो बोलेगा कि सर लीडरशिप, तब आपको याद आएगा कि यार 15 दिन पहले तो इसने रॉयल्टी का बोला था, अब 15 दिन बाद ये क्या बोले, लीडरशिप करना है। तो नहीं, हमें हमारे गोल के प्रति सजग रहना है, ये चीज ध्यान रखना है। देन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रत्येक चरणों की सूची बनाइए, जैसा कि अभी जो प्लानिंग आपको दी गई है, इमीडिएट, इसके बाद खाने की थाली पे मत बैठिएगा, डायरी और पेन लेके बैठ जाइएगा, मोबाइल से लिस्ट निकालिएगा, सारा आपको लिस्ट आपके पास ना हो, जिनके पास ये सुविधा मौजूद है उनसे लिस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। अपने काम के लिए खुद को हमेशा तैयार रखिए, इंतजार करना छोड़िए और काम पे फोकस में लग जाइए, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं होता। आप 15 साल कर लीजिए या 25 साल आरसीएम कर लीजिए, आरसीएम में रहने से आप बड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं है, आरसीएम में करने से आप बड़े हो। आप कितने साल से हैं वो कोई मुद्दा नहीं, मेरे साथ भी और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कोई वजूद नहीं है उनके पास में, वजूद उन्हीं लोगों का है जो बढ़ना चाहते करना चाहते। और सलाह को पढ़िए और सुनिए, ये जो चीजें आज आपको बताई गई और भी कई अपलाइन के थ्रू कई विचार आपको दिए गए होंगे, उन सब चीजों को लगातार सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस मीटिंग की बात तो और भी ज्यादा, और वैकल्पिक योजनाओं को भी अपने साथ में रखें। जैसे होली तक हमारा काम हो गया तो होली के बाद हमें किस प्रोजेक्ट पे काम करना है उसको हम डिसाइड करेंगे। देन काम का लगातार मूल्यांकन करते रहिए, ये नहीं कि 1 तारीख को इतना होगा हुआ कुछ नहीं, फिर बोलेंगे 5 तारीख तक हो जाएगा, फिर 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, और उसके बाद फिर सब नालायक लोग मेरे टीम में हैं सब। तो वैसा नहीं, ये कब होता है, जब हम प्रॉपर मूल्यांकन चीजों का नहीं करते। मूल्यांकन करने से फायदा क्या होता है, इमीडिएट एक्शन को बदलने का, कहते ना वो आपको स्वाद में बदलाव चाहिए तो रेसिपी को बदलना होता है, तो रेसिपी को बदलने से एक अच्छा स्वाद आपको मिलता है। लक्ष्य के प्रति दोस्तों दृढ़ संकल्पित रहिए। देखिए नंबर ऑफ लीडरशिप एंड नंबर ऑफ लॉयल्टी, जितनी ज्यादा आपकी डाउनलाइन में होगी
आप उतनी ही तेज गति से इस बिजनेस के टेक्निकल बनेंगे, ये याद रखिए। ये हमेशा याद रखिए। आप सोचिए कि आज आप लीडरशिप में इसमें जोरदार काम करते हैं और 20-30 रॉयल्टीज आपके नीचे आ जाती है, क्या डर लगता है? अगले महीने कम हो जाए, यही डर है ना कि अगले महीने कम हो जाएगा। तो हम तो होली को प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई, आप बताइए होली में जितना किराने वाले जितना ड्राई फ्रूट भेज देते होंगे, हमेशा भेज देते हैं क्या? धनतेरस के दिन एक गाड़ी वाला जितना गाड़ी बेच देता है, हर हमेशा बेच देता है क्या? अरे भाई एक युद्ध लगा, मेडल आ गया सीने पे, अब एक सेना के जवान के पास एक मेडल आ गया तो उस मेडल की रक्षा के लिए वो हर दिन युद्ध थोड़ी ही करेगा। ये समझना है, मतलब दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि जरा सोचिए कि आपके नीचे 10-20-15 की संख्या में लीडरशिप अचीवर हो गए और कल को वो 1,15,000-70,000 या 2,60,000 का ही बिजनेस करते, तो कई लाख का बिजनेस आपके नीचे होगा ये नहीं, आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे टेक्निक स्ट्रेंथ के साथ चले, राइट? टीम वर्क के ऊपर मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, फोकस कहाँ होना चाहिए, अभी तो भाई 31 मार्च तक का फोकस होना चाहिए और सबसे पहले होली पे हमारा फोकस होना चाहिए। और कैसे काम करना है, अपने नेटवर्क का डिटेल्स लिस्ट अपने पास में रखिए ताकि किनका ब्रॉडकास्ट बना, किन्होंने मैसेज किया नहीं किया, ये पूरा आंकड़ा मतलब कॉलिंग धड़ाधड़ चलनी चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर लीजिए जो स्कूल का, प्रदीप सर आपको बता देंगे, स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, स्टूडेंट का नाम और 30 खाने बने रहते हैं, तो उससे ना टिक मार्क करना आसान हो जाता है, मेंटेन करना उसमें कोई ये स्केल लेके बनाने की जरूरत नहीं है कि ले आइए अटेंडेंस रजिस्टर खरीद के स्टेशनरी की दुकान से और आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपने लोगों का बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार लोगों पर फोकस नहीं करना है, इस बार लोगों के लोगों पर फोकस करना, याद रखिए। देन अपने लोगों को इस महीने की उपयोगिता समझाइए कि इस महीने बड़ा काम करने से क्या हो सकता है, जब उनकी लेवल बढ़ेगी एक सेलिब्रेशन मिलेगा तो उनके वो लोग भी सक्रिय हो जाएंगे जो अभी शायद सक्रिय नहीं है। आज देखिए हम में से मैक्सिमम लीडर्स के अपने लोग, चाहे दोस्त मित्र रिश्तेदार, कब स्टार्ट किए बिजनेस को, जब हम लोग एक अच्छे लेवल पे आए, नहीं तो वो तो इसी इंतजार में थे कि ये कब बिजनेस से बाहर होगा, कब बिजनेस छोड़ेगा या इसका बिजनेस कब बंद होगा, वो तो देखना शुरू किया यार ये इसके पीछे तो लोग लग गए, इसकी तो गाड़ी आ गई, इसका तो ये हो गया, तब जाके क्या हुआ उन लोगों ने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया कि ना अब बहुत देर हो जाएगी यदि और ज्यादा की। तो इतना तो लीड करना होता है हमें कि हमारे लोग प्रभावित होके हमारे साथ आना शुरू कर दे, राइट? देन पहले दिन से ही यानी 1 तारीख से बहुत बड़ा वॉल्यूम के ऊपर फोकस कीजिए। ये जो आपके रिश्तेदारों की परचेजिंग आएगी ये तो आपका रेगुलर बिजनेस है नहीं, तो इसे क्या करना है, डिस्प्ले वॉल पे ले लेना है और 1 तारीख से ही इसकी बिलिंग, क्योंकि 1 तारीख की बिलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये हर हमेशा याद रखिएगा। और मतलब एक कहते हैं ना कि मैच में यदि शुरुआत का स्पीड तेज हो जाए तो आगे जीत की संभावना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट और सेलिब्रेशन, इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कीजिएगा अपनी टीम में, बहुत ही इफेक्टिव चीज है, क्योंकि छोटी चीजों के साथ हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारे लिए, हालांकि अभी होली है तो ये मैंने थोड़ा पहले बनाया हुआ था, यहाँ 50,000 भी कर सकते हैं, 25,000 भी कर सकते हैं। देन अपनों के होली का खर्च WWP में ट्रांसफर करवाना है और ज्यादा से ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए। कुछ लोग गलती करते हैं, देखिए डैमेज कहाँ होता है मैं आपको बताऊं, बड़ा वॉल्यूम के चक्कर में, कम पैसा लगने के चक्कर में, अब यदि किसी को 50,000 बीबी कटना है ना तो वो 50,000 का सूट लेंथ कटवाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप जो 50,000 बीबी के लिए 50,000 का सूटलेंट कटवाते हैं उसके बजाय 70-75,000 रुपए लगाइए, थोड़ी अगरबत्ती ले लीजिए, थोड़ी चाय पत्ती ले लीजिए, थोड़ा तेल ले लीजिए, फिर थोड़ा जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है वो ले लीजिए, थोड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो ले लीजिए, प्रोडक्टों का मिक्सचर होगा ना तो एक ही घर में 5,000 साधन, मैं तो कहता हूँ 50,000 की अगरबत्ती ले लीजिए और 10 गांव में घूम जाइए या किसी को घुमा दीजिए, आपका अगरबत्ती वहीं सेल हो जाए। अच्छा आप इसमें कोई बाकी बकाया भी नहीं लगता, 50 रुपए की अगरबत्ती के लिए कितने लोग आपसे बोलेंगे कि अभी पैसा नहीं है, सो बता दी, कोई नहीं बोलेगा, वो चुपचाप 50 निकालेगा आपको देगा और आप उसको पैकेट पकड़ाइएगा, हिसाब किताब बराबर, और
10 से 15 दिन में इस पे काम करके आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये होली मार्केटिंग के बाद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसलिए इसको बाद में फोकस कीजिएगा, अभी तो लोगों के लोगों को कवर करने पे फोकस शुरू कर दीजिए और इसमें जितनी तेज गति दिखाइएगा उतना ही बड़ा परिणाम आप हासिल करते जाइए। देन ज्यादा से ज्यादा छोटी मीटिंग कीजिए इसको, मतलब देखिए कहा जाता है कि जितनी छोटी मीटिंग होती है उतना ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो मैं भी आज इसीलिए आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो 1000-2000 लोगों की भी मीटिंग कर सकता था, लेकिन ये मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाना मेरा काम था। यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं, मीटिंग्स में हम चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये आप सभी लोग समझिए और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम करने की शुरुआत कीजिए दोस्तों। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और एक रियल वॉरियर की तरह कभी क्विट नहीं करना है, कुछ भी हो क्विट नहीं करना है, इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को हमेशा करना है, और दौड़िए भी और छलांग भी लगाइए। ये हमेशा याद रखिए कि हमें दौड़ना भी है और हमें छलांग भी लगाना है, हमें टहलना नहीं है इस बिजनेस में। ये बिजनेस जिस हिसाब से डिजाइन हुआ है उस हिसाब से हमें काम करने की आवश्यकता है। तो अब यदि कोई कंफ्यूजन हो आप में से किसी के दिमाग में, अब पूछ सकते हैं, मैं हूं आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शानदार ताली सर के लिए। जबरदस्त, बहुत शानदार सर। कंफ्यूजन कुछ नहीं सर, बस दिमाग में आने लगा है कि जितने लोग वो अपने रिश्तेदार हैं वो आने लगे हैं अभी से कि किनको किनको कहाँ कहाँ ब्रांड का भेजना है। अगर किसी के पास भी अगर कोई कंफ्यूजन है कैलकुलेशन का तो वो देखिए आप पूछ सकते हैं, सर भी अभी है।